subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. And in this video, I am going to discuss about the model questions of the Unit 2 B.Pharm second semester Pathophysiology. And the topics are cardiovascular disease like hypertension, angina, CHF, ischemic heart disease. And the second is the respiratory disease, means it contains the COPD and the asthma. And third is the renal failure, that contains the acute and chronic renal failure. And if you want to watch my previous videos regarding the pathophysiology, you can check the description box below or by using this link, means on the I button. Now, take a look of the question. Section A contains the MCQ, 20 MCQ, and so question 1 is the first. What does the ECG show the pre-instrumental angina? Pre-instrumental angina mein ECG kaisa pattern aayega? Option A, ST segment elevation. Option B, ST segment depression. Option C, P wave absent. And option D, prolonged PR interval. Iska answer hai aapka ST segment elevation. तो बेसिकली जो प्रिंसिपल एंजाइना में है, आपका जो एसटी है, जो आपके पीक्यूआरएसटी जो होता है आपके सीजी में, वो आपका इसमें एसटी जो है एलिवेट हो जाते हैं आपके प्रिंसिपल एंजाइना में. जो बेसिक है रीजन है वो है आपका कोरोनरी वेसोस्पास्म में आपके प्रिंसिपल एंजाइना का. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ द कार्डियोमायोपैथी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द सडन डेथ ऑफ यंग एथलीट्स? ऑप्शन ए हाइपरट्रॉफिक, बी डायलेटेड एंड सी रेस्ट्रिक्टिव. तो आंसर इज द ए हाइपरट्रॉफिक. जो बहुत सारे यंग एथलेटिक्स हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से जो उनका हार्ट के अंदर में जो मायोसिन है, बीटा मायोसिन हेवी चेन्स हैं, उसमें म्यूटेशन हो जाते हैं, उसके थ्रू वो हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ जाता है, उससे जो स्पेस है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो कम होता है, उससे जो डिस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है और आपका हार्ट फेलियर हो सकता है और सडन डेथ भी हो सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कॉज ऑफ राइट साइड लेफ्ट हार्ट फेलियर? ऑप्शन ए लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, ऑप्शन बी क्रोनिक लंग डिजीज एंड ऑप्शन सी बोथ. सो आंसर इज द बोथ. दोनों की वजह से जो है आपके हार्ट राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकते हैं, लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होने से भी और क्रोनिक लंग डिजीज से भी. लेकिन जो मोर कॉमन है वो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर. एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कोरोनरी आर्टरी इन द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन? MI में, मींस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कौन सा जो कोरोनरी आर्टरी है वो इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए राइट कोरोनरी आर्टरी, बी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, सी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड डी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. सो आंसर इज द बी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड क्योंकि जो आपका लेफ्ट LAD है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो एंटीरियर पोर्शन है आपके हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, उसमें सप्लाई करता है आपके ब्लड को. तो ये डिफेक्ट होने से, इनमें जो इस्मिया डैमेज होने से ही इस्मिया होता है और आपके जो मैक्सिमम पोर्शन से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स का वो डैमेज होने लगते हैं. एंड नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. एंड द क्वेश्चन 5 इज द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ स्टेबल एंजाइना? ए चेस्ट पेन दैट अकर्स विद द एक्सटेंशन एंड और इमोशन स्ट्रेस, सीवियर और क्रशिंग इन चेस्ट पेन एंड चेस्ट पेन इंटरेस्ट एंड ब्रेडिकार्डिया. सो आंसर इज द ब्रेडिकार्डिया. सो आंसर इज द ए चेस्ट पेन दैट अकर्स विद द एक्सटेंशन एक्सर्शन एंड इमोशन स्ट्रेस. तो आपके जो स्टेबल एंजाइना है जिसमें एथरोस्क्लेरोसिस इज द मेन रीजन ऑफ दिस एंजाइना, तो ये जो मेन रीजन है आंसर ये है. एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, एज पर द JNC मीन्स जॉइंट नेशनल कमिटी गाइडलाइंस 8, द 160 to 79 mmHg ऑफ HG सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द कैटेगराइज्ड इन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड प्री हाइपरटेंशन. सो आंसर इज द स्टेज 2. ओके, जो जॉइंट नेशनल कमिटी है वही गाइडलाइन बनाती है आपके हाइपरटेंशन की थेरेपी के लिए और वही जो ब्लड प्रेशर का जो रेंज है उसको डिफाइन की है कि कौन सा स्टेज 1 में है, कौन सा स्टेज 2 में है, मीन्स मॉडरेट हाइपरटेंशन है, कौन सा स्टेज 3 है. तो उसको आप पढ़िए एक बार. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज द सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज अकर्स मेनली बाय द रिनल आर्टरीस्टेनोसिस, जेनेटिक ओबेसिटी एंड डायबिटीज. सो आंसर इज द ए रिनल आर्टरी एस्टेनोसिस इज द मेन रीजन ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. बाकी जेनेटिक ओबेसिटी डायबिटीज हैं वो आपके फर्स्ट का हो सकता है, फर्स्ट का है मतलब इसेंशियल का या प्राइमरी हाइपरटेंशन का रीजन है. एंड क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन पैथोजेनेसिस
pathway for the angina. A. Myocardialischemia. Oversympathetic activity. Activation of RAS means renin angiotensin elastron system and none. So answer is easy. Answer is the A. Myocardialischemia is the answer of this question. And now come to the question number 9. Chronic atherosclerosis may lead to MI means myocardialischemia. Yeah, infarction. B. Angina. C. CHF. And D. All. तो आंसर इज द ऑल. ये सारी चीजें कर सकती हैं आपके क्रोनिक एथेरोस्क्लेरोसिस. मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द CHF इज टैकीकार्डिया कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड ओडिमा. सो आंसर इज द डी ऑल. ये सभी के कॉज कर सकते हैं आपके. आप एक बार वीडियो को देखिए सारी वीडियो को. मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11. Secondary complications of the hypertension is kidney disease, eye disease, CHF and all. So answer is the all. ये सारे cause कर सकता है. इसका जो main prognosis है या outcomes हैं ये सारे के सारे हैं. Move on question number 12. Main reason of emphysema and that is COPD. That is a type of COPD. Is deficiency of alpha 1 antitrypsin IgE mediated immune activation and viral infection and none. So answer is the A. Deficiency of alpha 1 antitrypsin. And question number 13. Main reason of the emphysema ho gaya hai. Chronic smoking may result in enhanced protease activity, enhanced ciliary movement and metaplasia. And answer is the D. All. इन सारे की वजह से जो है आपको अस्थमा या फिर जो भी इम्फाइसिमा है वो हो सकता है. स्मोकिंग के मेन पाथवे हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज डायलेटेड ब्रोंकाई इज द ग्रॉस फीचर ऑफ ए अस्थमा ब्रोंकोलाइटिस ब्रोंकियेक्टेसिस एंड एम्फाइसिमा. आंसर इज द सी ब्रोंकियेक्टेसिस जो कि आपके वायरल इन्फेक्शन से होता है मेनली और इसका ये मेन फीचर है. क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं. IgE मीडिएटेड इम्यून सेंसिटाइजेशन. And activation is the characteristic feature of extrinsic or intrinsic. So answer is the A. Intrinsic asthma. Question number 16 पे आते हैं. Asthmatic reactions occurs due to the histamine, leukotrienes, prostaglandins and the all. तो जो answer है वो आपका all है. सभी की जैसे जो है asthma cause कर सकता है. ये आपके basically inflammatory molecules हैं, mediators हैं जो कि asthma के लिए responsible होते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है आपका. एजियोटिमा इज करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड B1 लेवल एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल एंड बोथ. सो आंसर इज द बोथ. दोनों होते हैं इसमें आपकी एजियोटिमा में जो बेसिकली उसके फीचर्स हैं आपके रेनल फेलियर का. क्वेश्चन नंबर 18. रेनल फेलियर करेक्टराइज्ड बाय द GFR अप्रोक्स 10% 90% डैमेज ऑफ द रेनल टिश्यूज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डी ऑल. सो आंसर इज द डी ऑल. सारी वजह से जो है ये मेन उसे फीचर्स हैं आपके रिनल फेलियर का. इसमें रिनल एफिशिएंसी है रिनल फेलियर है इंड ऑर्गन डिसीज है वो भी डिफरेंट होते हैं आपके फीचर्स. क्वेश्चन नंबर 19. मेन एटियोलॉजी बिहाइंड द इंट्रा एक्यूट रिनल फेलियर इज द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हार्ट फेलियर हाइपोवोलेमिया एंड लिवर डिसीज. आंसर इज द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. मतलब आपके किडनी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसकी वजह से जो आपको रिनल फेलियर होगा एक्यूट कंडीशन पे वो है आपका एक्यूट या फिर इंट्रा एक्यूट और इंट्रेंसिक एक्यूट रिनल फेलियर. बाकी जो है हार्ट फेलियर हाइपोवोलेमिया या लीवर डिसीज ये आपके प्री रिनल रीजंस हैं आपके प्री रिनल कॉजेस हैं आपके एक्यूट रिनल फेलियर के. क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट. एंड द लो B1 क्रिएटिनिन रेशियो इंडिकेट्स acute tubular necrosis and severe liver disease and starvation and option is the D all. So answer is the all. सारे वजह से जो है आपको B1 का ये जो indicator है B1 और creatinine का ratio कम होने से आपके ये सारे indication होते हैं. इन कारणों से जो है B1 level बढ़ता है या creatinine level कम होता है या फिर low होते हैं मतलब B1 level कम होगा creatinine level बढ़ेगा. And now move on the सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. एंड इसमें दो सॉल्व करना था आपको जो पीछे के हिसाब से है. तो इसमें जो बेसिकली व्हाट शुड बी रिटन इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिसीज. कोई भी डिसीज का अगर आता है पैथोफिजियोलॉजी तो उसमें आपको क्या लिखना है ये आप थोड़ा समझ लीजिए. आपको लिखना है पहले इंट्रोडक्शन अबाउट द डिसीज
क्या डिजीज है, क्या उसके क्या डेफिनेशन हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, अगर हो तो उसको लिखना आपका साइन एंड सिम्टम्स। फिर जो मेन है वह आपका इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, दैट नोन इज द इटियोपैथोजेनेसिस। ये आपके टाइप्स में भी डिपेंड करता है, अगर टाइप्स के अलग हैं पैथोलॉजी हैं तो वो भी आप लिखिए, मेंशन कीजिए। लेकिन आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसमें आपका डायग्नोसिस है, उसमें आपका प्रोग्नोसिस है, उसमें क्लिनिकल आउटकम्स हैं, या फिर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आपके लॉन्ग टर्म पे वो क्या होंगे वो आप लिख सकते हैं, कंपनसेटरी पाथवेज हैं। फिर आते हैं ट्रीटमेंट प्लान, तो ये भी आपको नॉन फार्माकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी दोनों को मेंशन करके लिखना है। सो दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। फर्स्ट इज द डिस्कस इन डिटेल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सेकेंड इज द डिटेल डिस्कस द डिटेल पैथोलॉजी ऑफ द ब्रोंकल एस्थिमा। थर्ड इज द अबाउट द क्लिनिकल फीचर ऑफ द रीनल फेलियर एंड डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट रीनल किडनी डिजीज मीन्स एक्यूट रीनल फेलियर। एंड फोर्थ इज द डिस्कस इन डिटेल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं आपके यूनिट टू से। यूनिट टू में अगर क्वेश्चन आपको लॉन्ग देना है तो सी एच एफ है और एंजाइना या एम आई से ही बनते हैं क्वेश्चन। हाइपरटेंशन से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एथरोस्क्लेरोसिस यूनिट वन में भी है, यूनिट टू में है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपके अस्थमा जो है मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो जो मेरे हिसाब से जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लायक हैं ये टॉपिक, इनको आप देखिए, इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ये जो मैंने बताया ऊपर में डिस्कस किया ये पॉइंट आप मेंशन कीजिए अपने आंसर में तो बेहतर होगा। एंड नाउ कम टू द मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेक्शन नंबर सी, सेक्शन सी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। एंड इट कंटेन्स 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 99। तो 7 क्वेश्चन रिटर्न करना है 7 में। ये जितने टॉपिक्स हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें प्लेग जमा होता है, उसकी वजह से जो आपका आर्टरी नेरो हो जाता है, बट आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो है आपके आर्टरी पे प्लेग जमा नहीं होता है, वो बेसिकली नेरो होता है, उसमें स्टिफनेस बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, जो वेस्कुलर वाल्व है उसका एक्सेसिव ग्रोथ होने की वजह से ये होता है। एंड द क्रोनिक नेरल फेलियर, एम्फाइसेमा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्वॉल्व इन द अस्थमा एंड देयर बेसिक रोल। तो कौन कौन से मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं आपके अस्थमा में, चाहे आपके प्रोस्टाग्लैंडिंस हों, लेकोट्राइन्स हों, हिस्टामिन्स हों, पीएफ हो, उनके बारे में लिखिए क्या उसके बेसिक रोल हैं। इसके अलावा आपका सीओपीडी है, उसके अलावा आपका एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस ऑफ द आईजीई मीडिएटेड अस्थमा जो कि हमने डिस्कस किया था डिटेल में, वो भी आप ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ऐसा आ सकते हैं। जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हाइपरटेंशन, एमआई तो है ही फेवरेट क्वेश्चन, ये फ्रिक्वेंटली आते हैं। उसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये अभी एग्जाम में आया था सीएसवीटीयू के, अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं और आप प्रोफेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके जो सीएसवीटीयू है उसमें ये अभी जो बेक का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड द राइट देयर पैथोलॉजिकल रोल। उसके अलावा आपका जो इसमें टॉपिक है वो आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस तो है ही, उसके अलावा ये जो टॉपिक है सीओपीडी से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन जो है मेन है, इम्फाइसमा तो नहीं पूछता है, वो सीएसपीडी के अंदर में ही आते हैं, इसके अलावा क्रोनिक रीनल फेलियर भी शॉर्ट में आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में। सो दैट इज लास्ट, एंड इफ यू वांट टू वॉच लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज। एंड प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक ऑफ दिस पेपर, ये जो आपके पेपर हैं उसका हम लिंक दे दिए हैं ताकि आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकें और उस वेब पे आप तैयारी कर सकें। सो इन लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।